हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर एंड टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। गिव रीजन वाले क्वेश्चंस में, अकाउंट द फॉलोइंग में जरूर मिल जाएगा एक दो क्वेश्चन। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यार राइटिंग देखना कैसी बेकार से आती है इस पर, पता नहीं क्या हो रहा है मेरी राइटिंग को आजकल। नहीं तो मेरी राइटिंग इतनी सुंदर थी ना, इतनी प्यारी थी बस, जिसके कुछ हद नहीं। जब पहली बार एडमिशन कराने गई ना मम्मी मुझे स्कूल में, तो प्रिंसिपल भी एडमिशन राइटिंग को देख के फ्लैट हो गए जब टेस्ट ले रही थी। अरे कुलदीप की राइटिंग तो इतनी सुंदर है, इसे तो फिफ्थ क्लास में लेंगे हम, फर्स्ट में नहीं ले रहे, इसे लेंगे हम फिफ्थ क्लास में। वो तो मैंने बोल दिया उनसे, फिर मैंने कि नहीं मैडम आप फर्स्ट में करा दो वरना दूसरे बच्चे चिढ़ जाएंगे उससे। यार राखी खुल गई, ये किसकी राखी थी जो इसने ढीली बांधी। यार एक मिनट प्लीज रुक जाओ, राखी सी बांध लो नहीं तो गिर जाएगी। किसी बहन ने बेचारी ने इतनी प्यार से बांधी थी, वो गिर जाएगी, वो कल को देखेगी कि सर राखी कहाँ है, तो फिर वो मुझे ही कहेगी कि सर मेरी राखी खोल दिया आपने, सबकी रखी हुई है हाथ में। अब उन्हें ये नहीं पता मैं कैसे कैसे संभाल रहा हूँ इन सबको। पढ़ाते टाइम ये टच हो जाते हैं बोर्ड पे, एक तो मैं लिखता हूँ पेन से और एक लिखा जाता है राखी से, दो दो पेन चलते हैं। एक पे लिख रहा हूँ मैं इलेक्ट्रोकेमिकल, राखी लिख रही है सीरीज। बस बच्चों का क्या बताऊँ, मानते नहीं है हमारी, अपने अपने चलाते हैं नालायक बच्चे। देखना रस्सी से बांध दी मेरे हाथ में। चलो कोई बात नहीं, पैसे तो मैंने दिए ही ना तुम्हें, और बांध दो चाहे, टॉफी टॉफी के लायक पैसे दिए। अब तो मैं जब दूंगा पैसे जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, जब शादी हो जाएगी जब आना राखी बांधने। पहले नहीं देता मैं शादी से पहले बच्चों को पैसे नहीं देता, जब बड़े हो जाते हैं जब देते पैसे। चलो भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो क्या होता है भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो भाई आपने एक वर्ड सुना होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या होता है भाई, मेरे पास एक बीकर है और इस बीकर में कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है, लेट सपोज इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। This beaker contains zinc sulfate solution and a zinc metal rod dipped into it. A potential difference set up between the metal rod and the solution. This difference is called electrode potential. This is called electrode potential. अब अगर ये electrode potential standard condition में हो, means 1 m concentration of the electrolyte at 1 bar pressure and 25 degree Celsius temperature or 298 Kelvin temperature, तो अब इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड। अब मैंने पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वैसे आपको बता दिया, फिर भी मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मान के एक को दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक सेल बनाते हैं, ठीक है। अब उस सेल बनाने के बाद जो सेल का पोटेंशियल आता है वो ही दूसरे वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। जैसे कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.76 वोल्ट। ये कैसे पता चला, इंडिविजुअली किसी हाफ सेल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, इंडिविजुअली आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानते हैं, वो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ दूसरे इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे। जो सेल पोटेंशियल आएगा वो दूसरे इलेक्ट्रोड के तो पोटेंशियल है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये ऐसे मेजर करके हम इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देंगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे, एक प्लेट में सजा देंगे इन्हें कि लो भाई लिथियम तुम्हें सजा दिया, ठीक है भाई, लिथियम को सजा दिया, पोटेशियम तुम्हें सजा दिया, सोडियम तुम्हें सजा दिया, मैग्नीशियम तुम्हें सजा दिया, आयरन तुम्हें सजा दिया, ठीक है, ऐसे सजा दिया सबको। उसके बाद आयरन के सॉरी जिंक आएगा आयरन से पहले, जिंक, क्रोमियम और भैया आयरन, ठीक है, और हाइड्रोजन, ऐसे मेटल्स रख दी भाई, ठीक है, हाइड्रोजन के इसके बाद निकल रख देते हैं -0.25 और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये मेटल्स सजा दिए एक प्लेट में, लो खा लो। तो कैसे रखी हुई है, इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर जो सीरीज हमें मिलती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लो, हो रही है ना राइटिंग खराब, अब वो मैडम जिन्होंने मुझे घमंड दिला दिया था कि राइटिंग बहुत सुंदर है डायरेक्ट फिफ्थ क्लास में, लो वो मुझे मिल जाए ना, अब मैं जब दिखाऊं देखो मेरी राइटिंग कितनी गंदी है, तो फिर वो मुझसे कहेगी दोबारा से एडमिशन लो। इट इज डिफाइंड एज द सीरीज या व्हेन वी अरेंज, व्हेन वी अरेंज या व्हेन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, दिस सीरीज दस ऑब्टेंड, दिस सीरीज दस ऑब्टेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ जाएगी अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज को अरेंज कर दूं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, लिथियम की वैल्यू है -3.05 वोल्ट, पोटेशियम की है -2.93 वोल्ट, कैल्शियम की है -2.87, सोडियम की है -2.71 वोल्ट। देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है अगर आपने देखा हो तो, मैग्नीशियम की -2.37, ठीक है, जिंक की -0.76 वोल्ट, ठीक, क्रोमियम की -0.74 वोल्ट, आयरन की -0.44 वोल्ट, कैडमियम की -0.40 वोल्ट, निकेल की -0.25 वोल्ट होती है, टिन की -0.14 वोल्ट होती है, लेड की 0.13 वोल्ट होती है माइनस में, हाइड्रोजन की ये आ गई है 0 वोल्ट। अब इससे नीचे सारी पॉजिटिव होगी, +0.34 वोल्ट, +0.77, ये Fe3+2 Fe2+ की है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, मरकरी की है +0.79, सिल्वर की है +0.80। तो ये है हमारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने रख दी। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद होगा क्या, तो मेरे प्यारे बच्चों इससे बनते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
इसके आते हैं एप्लीकेशंस। कौन कौन सी एप्लीकेशंस आती हैं? तुम्हें बस एप्लीकेशंस ही लर्न करनी है। जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेशन, दिस इज यूज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ई नोट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अगर मुझे मान लो ये सेल दिया हुआ है Zn, Zn2+, Cu2+, Cu, बस सेल दे दिया। अब वो सेल देने के बाद पूछ रहा है कि भाई इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बताओ। ये स्टैंडर्ड इसकी कंसंट्रेशन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड प्रेशर है। तो भाई ई नोट राइट Cu2+ टू Cu माइनस ई नोट लेफ्ट Zn2+ टू Zn। तो ये है ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कैलकुलेट करने का तरीका। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज कहाँ है? ये रहा यूज। अब देख लो यहाँ पर कौन कौन सी मेटल है। इसमें जो मेटल है अगर आप ध्यान से देखोगे, एक तो मेटल है इसके अंदर जिंक। जिंक कहाँ है? ये रहा जिंक, ये जिंक की वैल्यू है। दूसरी कॉपर है, ये रहा कॉपर, ये कॉपर की वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपके पास है तो आप इससे निकाल सकते हो। तो कॉपर की वैल्यू थी प्लस 0.34 वोल्ट, जिंक की वैल्यू है माइनस 0.76 वोल्ट। तो प्लस 0.34 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.76 वोल्ट प्लस 1.10 वोल्ट। तो सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मैंने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो अगर मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दे दो आप, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर मुझे आप ये दे दो और कोई भी सेल दे दो आप, कोई भी सेल दे दो और आप मुझे दे दो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो मैं आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बता सकता हूँ मेजर करके इजीली। समझ में आ गई बात? तो इसकी पहली एप्लीकेशन ये है, मतलब पहले इसका यूज उपयोग हम यहाँ कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। कहाँ कर सकते हो? टू फाइंड आउट या टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। दूसरा कहाँ यूज होगा इसका? दूसरा यूज सेकेंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर टू, सेकेंड एप्लीकेशन। तो सेकेंड एप्लीकेशन कहाँ है? तो इसके एप्लीकेशन सेकेंड ये है, टू प्रिडिक्ट वेदर इस रिडॉक्स रिएक्शन whether a redox reaction, a cell reaction feasible or not feasible। तो ये पता लगाने में आप इसका यूज कर सकते हैं कि कोई सेल रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो रिएक्शन फीजिबल है या नहीं है, इस चीज का पता लगाने में आप इसका यूज कर सकते हो। तो कैसे पता लगाएंगे भाई? सिंपल सी बात है, मान लो मेरे पास ये सेल है, सेल दे दिया मैंने आपको Zn, Zn2+, Cu2+, Cu। अब मैं आपसे कह रहा हूँ बताओ ये सेल पॉसिबल है या नहीं है, ये सेल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है या कॉपर का रिडक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन, मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो अभी अभी मैंने कैलकुलेट करा था ना यहाँ पर ई नोट सेल, और उसकी वैल्यू आई थी प्लस 1.10 वोल्ट, मतलब किस में आई है? प्लस में। तो याद रखना, इफ ई नोट सेल इज पॉजिटिव देन रिडॉक्स रिएक्शन इज पॉसिबल और फीजिबल। अगर ई नोट सेल पॉजिटिव हो या डेल जी नोट नेगेटिव, डेल जी नोट नेगेटिव है तो सेल रिएक्शन फीजिबल होगी। तो दोनों के रेस्पेक्ट में बता सकते हो। और अगर ई नोट सेल आ जाए आपका नेगेटिव
और डेल जी नोट आ जाए आपका पॉजिटिव, देन सेल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, सपोज करो मैंने ये ले लिया ए जी प्लस और सी यू प्लस। इसका मतलब कि इस सेल में सिल्वर का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन, क्या पॉसिबल है? तो कैलकुलेट कर लो बेटा, ई नोट सेल क्या होता है, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। तो राइट में कॉपर है, कॉपर की वैल्यू होती है प्लस 0.34 वोल्ट, माइनस सिल्वर की वैल्यू होती है 0.80 वोल्ट, तो ये आ जाएगी माइनस 0.46 वोल्ट, नेगेटिव है। ई नोट सेल इज नेगेटिव, इफ ई नोट सेल इज नेगेटिव सो रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, रिएक्शन होगी ही नहीं है, ये सेल काम ही नहीं करेगा। ऐसा कोई सेल ही नहीं होगा जिसमें सिल्वर और कॉपर का हम बनाएं सेल और वहाँ सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो जाए और कॉपर का रिडक्शन हो जाए, ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, ये हो गई सेकंड, ये हो गई बेटा सेकंड, इसकी क्या है ये सेकंड, हाँ ये है सेकंड एप्लीकेशन। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो। मुझे पता है आवाज बहुत खराब है मेरी, पर फिर भी भाई गाता गा लेता हूँ, कभी कभी गुनगुना लेते हैं सड़ी सी आवाज में। हम न रहे, मुझे गाना पूरा सीक्वेंस से याद नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा याद है, तो बीच बीच में जहां से याद आता है वहां से गा लेते हैं। टू कंपेयर, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, इस चाहत में मर जाऊंगा। रोना आ गया। टू कंपेयर रिलेटिव रिएक्टिविटी, याद आ गई। तुम्हें, मुझे नहीं, मुझे कहा। टू कंपेयर रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, चलो बेटा अब लेट सपोज मैंने आपको दे दी चार मेटल्स, जिंक, आयरन और मैग्नीशियम और लिथियम। ठीक है, क्वेश्चन है अरेंज द अबव मेटल्स एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो मैं चुटकी में बता सकता हूं, मैं तो एक चुटकी मारी उंगला दी बच्चे सोच रहे होंगे यार क्या है ये हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो आप ये बात याद रखना, मोर नेगेटिव वैल्यू मतलब वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव, मतलब जितनी ज्यादा कम, मतलब लोअर वैल्यू। मोर नेगेटिव का मतलब है लोअर वैल्यू ऑफ ई नोट एम एन प्लस टू एम, मोर विल बी द रिएक्टिविटी। तो भाई ई नोट की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, और तुम्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं तो लिख लो भाई माइनस 0.76 वोल्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये रही, लिख लो इसमें से ठा ठा के, मुझे तो याद है। देखो अब आप लिखोगे माइनस 0.44 वोल्ट, माइनस 2.37 वोल्ट, माइनस 3.05 वोल्ट,
मोर नेगेटिव वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो ये देखो पहले सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसकी है, मतलब कंपेयर करो एक दूसरे से। तो आयरन की सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है यहाँ पर, तो आयरन से ज्यादा इंक्रीजिंग वैल्यू किसकी होगी, मतलब मोर नेगेटिव जिंक की। जिंक से मोर नेगेटिव किसकी होगी, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम से मोर नेगेटिव किसकी हो जाएगी, लिथियम की। दिस इज द आंसर। तो अगर मेरे पास चार मेटल्स हैं, तो अगर मेरे पास चार मेटल्स की ई नोट वैल्यू गिवन है, तो जिसकी ई नोट वैल्यू नेगेटिव होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी। तो तीन एप्लीकेशन हो गई। पहली एप्लीकेशन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूँ, दूसरी एप्लीकेशन मैं ये बता सकता हूँ रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, तीसरी रिएक्शन मैं ये बता सकता हूँ कि वो रिएक्टिविटी किसकी कम है और किसकी ज़्यादा है, मतलब रिएक्टिविटी कंपेयर कर सकता हूँ। भाई नंबर फोर पे आ जाते हैं हम। फोर, टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस From डाइल्यूट एसिड्स। और राइटिंग थोड़ी ठीक सी हो गई भाई, डाइल्यूट एसिड्स। तो ये प्रिडिक्ट करने में हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, कि कोई मेटल हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकती है डाइल्यूट एसिड में से, नहीं कर सकती है। तो इसके लिए आप क्या देखोगे, इसके लिए बस आपको सिंपल सा एक बात याद रखनी है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हो। हाइड्रोजन से ऊपर कौन, मैंने अभी जो सीरीज बताई थी, अभी हाइड्रोजन से ऊपर ये मान लो ये रहा हाइड्रोजन, इससे ऊपर ये जितने भी मेटल्स हैं अगर इनको डाइल्यूट एसिड में डालोगे तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो अब देखो इसमें those metals या metals above from hydrogen, जो metal hydrogen से above होंगी in electrochemical series can liberate hydrogen from डाइल्यूट एसिड्स। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, Zn और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में Zn को डाल देता हूं मैं, तो बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी या नहीं होगी। यस होगी यार, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर है जिंक, है हाइड्रोजन है जीरो और जिंक है -0.76 वोल्ट ऊपर है, तो भाई बिल्कुल ये जिंक यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा आपका ZnSO4। ये लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस बनाने की मेथड भी है, जिंक ग्रेन्यूल्स में डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं हम तो बबल्स निकलते हैं हाइड्रोजन गैस के, पॉप अप साउंड वाली, जब उसमें से सोप सॉल्यूशन में से पास कराते हैं गैस को, बबल्स निकलते हैं उसमें, आप वो लेकर आना लाइटर बबल, पट 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 पट, मजा आ गया भाई। चार हो गए भाई। अच्छा ये बताओ, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, आपके प्यार में हम सवरने लगे, देख के आपको। यार कलर नहीं है क्या इसमें अच्छे अच्छे से, क्या बेकार बेकार से कलर दे रखे इन्होंने, स्टैंडर्ड कलर है भाई, अच्छे अच्छे से कलर दो। इसे देख कर तोता सा चला गया, तोता सा कलर। अरे वाह मजा आ गया भाई, सिल्वर
HCl में डाल दूंगा मैं, तो क्या होगा, रिएक्शन होगी? नो, दिस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूटेशन. और अगर मैंने आयरन डाल दिया HCl में, क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी? यस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी मेरे बेटे, H2 निकलेगा, FeCl2 बनेगा, बिकॉज Fe हैज मोर नेगेटिव वैल्यू देन हाइड्रोजन, और Fe इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. Fe कैन ऑक्सीडाइज टू Fe2+. नंबर 5, टू प्रिडिक्ट वेदर ए मेटल कैन डिस्प्लेस अनदर एटम, अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ये प्रिडिक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने देखी भी होगी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी, वो ये बता देगा. चलो तो भाई, लेट सपोज मेरे पास है एक्स और वाई, अब इसमें मैं डाल देता हूँ जेड. अब जेड मेटल एक्स को डिस्प्लेस कर देगी तो जेड वाई बन जाएगा, प्लस एक्स बाहर निकल जाएगा. इसका मतलब जेड ज़्यादा रिएक्टिव है एक्स से. अब सपोज करो मेरे पास सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, अब इसमें मैं जिंक डाल देता हूँ तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके बना देगी जिंक सल्फेट और कॉपर हो जाएगी रिड्यूस. तो ऐसा कब होता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल अबोव होती है दूसरी मेटल से, या जिसकी इनोट वैल्यू मोर नेगेटिव होती है, वो डिस्प्लेस कर देती है. सो मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देन मेटल कैन डिस्प्लेस अनदर मेटल. तो मोर नेगेटिव वैल्यू किसके? जिंक की -0.76, कॉपर की +0.34, कर देगा भाई डिस्प्लेस. अब क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है जो मैं अब बता रहा हूं? ZnSO4 प्लस Cu नॉट पॉसिबल. इसकी है पॉजिटिव और इसकी है नेगेटिव, नॉट पॉसिबल. सिल्वर को डाल दो जिंक सल्फेट में, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल. इसकी है +0.80, इसकी है -0.76. तो मोर नेगेटिव वैल्यू होगी तो ही डिस्प्लेस कर पाएगी. अब सपोज करो मेरे पास सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का, अब इसमें मैं डाल देता हूँ सोडियम, तो ये डिस्प्लेस कर पाएगी? यस, इट कैन डिस्प्लेस. सोडियम सल्फेट इज फॉर्म्ड विद द रिडक्शन ऑफ जिंक. तो ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. अब उसके बाद आ जाते हैं हम नंबर 6, टू प्रिडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ या ऑक्सीडाइजिंग पावर बोल देते हैं इसे, और रिड्यूसिंग पावर. ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर इससे प्रिडिक्ट कर सकते हो आप, ठीक है? तो देखो बेटा, इसमें लिखोगे आप मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नोट
मोर विल बी द रिड्यूसिंग पावर, मोर विल बी द रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, मोर नेगेटिव। तो जिंक और कॉपर में रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, जिंक की, मोर नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। इसके अपोजिट मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ई नोट मोर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब Zn और कॉपर में ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, कॉपर की, ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ गए होगे। सेवंथ और लास्ट, टू प्रिडिक्ट द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब जिंक, बस इसको पहले देख लो, मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ ई नोट मोर विल बी द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मोर विल बी द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पर जिंक और कॉपर, इनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, जिंक की। जब तो जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि जिंक की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है कॉपर से, तो मजबूरी में कॉपर को फिर गेन पकड़ने पड़ते हैं वो इलेक्ट्रॉन, इसलिए सेल रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के आप बता सकते हो, जिसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होगी उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। अगर सोडियम आ जाए तो सोडियम की जिंक से ज्यादा होगी, लिथियम को आ जाए तो लिथियम की सोडियम से ज्यादा होगी। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है, शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा अगर मुझसे प्यार करते होगे तो, भाई नहीं करोगे तो जब भी हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हम क्या कर सकते हैं, मतलब शेयर नहीं करोगे, प्यार तो आप करते ही हो, जभी तो आज यहाँ तक पहुँचे हम, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो ये है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसकी कुछ वो देख लो, एप्लीकेशन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने में, रिएक्टिविटी को कंपेयर करने में, सेल का EMF कैलकुलेट करने में, हाइड्रोजन का लिबरेशन फाइंड आउट करने में, और मैस कोई फिजिबिलिटी फाइंड आउट करने में रिडॉक्स रिएक्शन की। तो ये सब करा चुका हूँ मैं तुम्हें बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से। तो आज के लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रहेगा, इसको कर लो, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम बैटरीज, और बैटरीज करने के बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश्ड। उसके बाद करेंगे हम NCERT के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो मेरे साथ ऐसे ही मेहनत करते रहो, और अपना सपोर्ट, अपना प्यार, अपना विश्वास मुझ पर ऐसे ही बना के रखो, देखो कितनी जल्दी हम और आप सब कामयाब होंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।